आज के इस कार्यक्रम में इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे हमारे मित्र अनुज प्रोफेसर के तिवारी साहब, बाएं पार्श्व में और सामने बैठे हुए हमारे सारे शिक्षक मित्रगण, वर्तमान के शिक्षक और शिक्षक शिक्षा संकाय के जो शिक्षार्थी हैं उन्हें मैं संबोधित करूंगा, भविष्य के शिक्षक। आप सबके सामने मुझे एक विषय दिया गया है, उस विषय पर कुछ अपना विचार रखूंगा। विषय है शिक्षा और दर्शन। अभी दर्शन विभाग के एक विद्यार्थी हमसे कई प्रश्न किए जा रहे थे और शायद वो प्रश्न एकदम रेलेवेंट है इस पॉइंट ऑफ टाइम पर कि शिक्षा और दर्शन में क्या संबंध है, ये उनका प्रश्न था। और मैं उनको उत्तर दे रहा था कि दर्शन एक ऐसा व्यापक परिदृश्य है जिसके बाहर कोई भी विद्या नहीं है, कोई शास्त्र नहीं है, सभी विद्याएं सभी शास्त्र उस परिधि के अंतर्गत ही हैं और शिक्षा भी एक शास्त्र है। इस रूप में शिक्षा उसका अभिन्न अंग है, दर्शन का अभिन्न अंग है। जो हमारा विषय है शिक्षा और दर्शन, इसमें मेरी समझ से द्वंद समास करना ठीक नहीं है। शिक्षा और दर्शन दो अलग अलग चीजें नहीं हैं जिनके बीच हम संबंध जोड़ रहे हों या जिनके बीच समास की स्थापना कर रहे हों। हमारी समझ से इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास होना चाहिए, शिक्षा का दर्शन, ये ज्यादा उत्तम होगा। शिक्षा का अपना क्या दर्शन है, लेकिन यह जानने के लिए हमको दर्शन किसे कहते हैं यह परिभाषित करना जरूरी है, तब तो हम समझ सकेंगे कि शिक्षा का क्या दर्शन है। और वर्तमान आवश्यकता के लिए, वर्तमान आवश्यकता की पूर्ति के लिए जो इस सेशन में हमें करना है, हम दर्शन को या फिलॉसफी को परिभाषित करेंगे एक ऐसी विद्या के रूप में जिसमें तीन विशेषताएं होनी चाहिए। पहली विशेषता, दर्शन की पहली विशेषता ये कि उसका दृष्टिकोण होलिस्टिक होता है, वैश्विक होता है, वो किसी विभाग में चिंतन नहीं करता, वो संपूर्णता में चिंतन करता है। एक तो दार्शनिक चिंतन की विशेषता हुई कि वो होलिस्टिक होता है, टोटेलिटी में विचार करता है, समग्रता में विचार करता है, एक लक्षण हुआ। दूसरा, दर्शन वह अध्ययन है जो परपसिव हो, जिसका प्रयोजन दिखाई पड़ रहा हो, प्रयोजनात्मक हो, मूल्यपरक हो, जिसके पीछे कुछ स्पष्ट प्रयोजन दिखाई पड़ रहा हो, उस अध्ययन को हम दार्शनिक अध्ययन कहेंगे। और तीसरी विशेषता कि वह एनालिटिक और रैशनल होना चाहिए, उसको विश्लेषणात्मक और बौद्धिक होना ही चाहिए। अगर वो विश्लेषणात्मक और बौद्धिक नहीं है तो फिर वो दार्शनिक अध्ययन नहीं है। तो तीन विशेषताएं हो गई, होलिस्टिक, परपजिव या टेलियोलॉजिकल जिसको और प्रेसाइजली कहा जाता है, एंड एनालिटिक। ये तीन विशेषताएं जिस अध्ययन में हो उसको हम दर्शन कहते हैं, जिस विधा में हो उसको हम दार्शनिक विधा कहते हैं। जब हम शिक्षा के दर्शन पर विचार करेंगे तो वहां भी ये तीन लक्षण हम खोजने की कोशिश करेंगे। एक तो ये
कि शिक्षा के किसी विशेष अंग की बात हम नहीं करेंगे। शिक्षा दर्शन शिक्षा के किसी विशेष अंग के बजाय संपूर्ण शिक्षा या एजुकेशन एज सच पर चिंतन करता है। दूसरी बात ये कि शिक्षा दर्शन उन मूल प्रयोजनों में झांकने की कोशिश करता है जो मूल प्रयोजन शिक्षा के पीछे छिपे हुए हैं। शिक्षा क्यों, केवल ये नहीं कि शिक्षा कैसे, बल्कि यह भी कि शिक्षा क्यों। तो क्या, कैसे और क्यों, ये तीन तरह के सवाल हैं। तो शिक्षा क्या है, शिक्षा कैसे प्राप्त की जाती है और शिक्षा क्यों आवश्यक है। हमारे उस विद्यार्थी ने जिन्होंने शिक्षा शास्त्र बिल्कुल नहीं पढ़ा है, दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी हैं, उन्होंने एक प्रश्न और भी किया कि आरंभ में तो शिक्षा नहीं थी और आप कहते हैं कि दर्शन आरंभ से है, तो यह संबंध कैसे विकसित हुआ। और शायद उनके मस्तिष्क में यह था कि शिक्षा का आरंभ तब से हुआ जब से स्कूल या गुरुकुल या इस तरह की व्यवस्था शुरू हुई। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि शिक्षा तो हम पैदा होते ही आरंभ कर देते हैं। जो कुछ भी हम सीखते हैं प्रकृति से, परिवेश से, परिवार से, माता पिता से, भाई बंधु से, वह भी शिक्षा है। और आप तो शिक्षा शास्त्र के अध्येता हैं। अनौपचारिक शिक्षा और औपचारिक शिक्षा, इस प्रकार का जो वर्गीकरण किया गया है, अनौपचारिक शिक्षा तो जन्म से शुरू हो जाती है, औपचारिक रूप से शिक्षा ग्रहण करने को हम विद्यालय में जाते हैं। तो विद्यालय की संरचना और फॉर्मल एजुकेशन का सिस्टम ये तो बहुत देर से शुरू हुआ होगा। मानव सभ्यता का इतिहास झांक कर देखा जाए तो ये बहुत देर से शुरू हुआ होगा। लेकिन शिक्षा उतनी ही और उसी तरह अनादि है जिस प्रकार भारतीय परंपरा वेदों को अनादि और अपौरुषेय कहती है। हमारे विद्वान मित्र लोग ये जानते हैं, बच्चे भी ये कहीं न कहीं पढ़े होंगे कि वेद जिसे हम शाश्वत ज्ञान कहते हैं, भारतीय परंपरा जिसको शाश्वत ज्ञान कहती है, उस वेद के 6 अंग हैं। और ऋषि कहता है खडंगो अध्येयो वेदः, वेद का अध्ययन 6 अंगों के साथ करना चाहिए। तो उसमें शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, व्याकरण, पहला ही अंग शिक्षा बताया गया है। शिक्षा उसका पहला अंग है और इसलिए शिक्षा उतनी ही अनादि है, उसी तरह अनादि है जिस तरह वेद अनादि हैं। जैसे वेद का कोई आरंभ नहीं है, उसी तरह शिक्षा का भी कोई आरंभ नहीं है। यह अनादि है। अनादि हम उसे कहते हैं जिसका आदि न दिखाई पड़ रहा हो, आरंभ की डेट ऑफ बिगिनिंग जिसकी न दिखाई पड़ रही हो, वो अनादि कहा गया। हम केवल भारतीय शिक्षा या शिक्षा की भारतीय अवधारणा तक ही सीमित नहीं रहना चाहते। पश्चिम में भी बहुत से विचारक हुए हैं जिन्होंने शिक्षा के स्वरूप, शिक्षा के प्रयोजन, फंक्शंस ऑफ एजुकेशन, पर्पस ऑफ एजुकेशन, नेचर ऑफ एजुकेशन पर बड़ा काम किया है। लेकिन हम ये पाएंगे कि जो भी फिलासफर हुए हैं, फॉर्मली आप देखिए दिक्कत क्या हो रही है कि हमारे ये बच्चे औपचारिक रूप से फिलॉसफी नहीं पढ़े हैं, सिस्टम ऑफ फिलॉसफी से अपरिचित हैं। और फिलॉसफी के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो फॉर्मली फिलॉसफी तो पढ़े रहते हैं, लेकिन उनको शिक्षा में कैसे फिलॉसफी का अनुप्रयोग हुआ है, एप्लीकेशन हुआ है, ये उनको नहीं ज्ञात होता है। और इसलिए इस तरह के इंटरडिसिप्लिनरी लेक्चर्स का, अंतर विषयीय व्याख्यानों का आयोजन समय समय पर होते रहना चाहिए। मैं स्वामी जी को बधाई देता हूँ इस बात के लिए कि उन्होंने इस तरह का विचार किया कि हम कुछ जो
ऐसे विषय हैं हमारे शास्त्र के साथ जिन विषयों की बाउंड्री हमसे टच करती है, उनके कुछ व्याख्यान कराकर हम अपनी परिध का विस्तार करेंगे, उससे हमारा अपना होराइजन एक्सटेंड होता है। तो शिक्षा शास्त्र का अपना जो विस्तार है वो दर्शन के साथ जुड़कर, समाज शास्त्र से जुड़कर, शिक्षा का अपना समाज शास्त्र भी होता है, शिक्षा का अपना दर्शन भी होता है। अभी मैं उस बच्चे को समझा रहा था जो फिलॉसफी का स्टूडेंट है, शिक्षा का अपना भूगोल होता है, ज्योग्राफी का महत्व पड़ता है, इकोनॉमी का महत्व पड़ता है, हम क्या सीखेंगे, हमारी शिक्षा कैसी होगी, ये हमारी उन सारी कंडीशंस पर निर्भर करता है। हमारी शिक्षा का क्या स्वरूप होगा, ये ज्योग्राफिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल, रिलीजियस, सोशल कंडीशंस से निर्धारित होता है। वेस्टर्न थिंकर्स ने भी सोचा है इस पर। मैं केवल दो लोगों की चर्चा करना चाहता हूँ वेस्टर्न में, और उसके बाद फिर कुछ इंडियन साइड के दो एक बातें करके, क्योंकि बहुत लंबा बोलना ना संभव है ना आवश्यक है। वेस्टर्न साइड में मेरे दिमाग में जो फ्लैश किए दो फिलासफर, उनमें से एक हैं जॉन लॉक, जो एम्पिरिसिस्ट हैं, अनुभववादी विचारक हैं, आधुनिक ब्रिटेन के अनुभववादी विचारकों में जॉन लॉक को अनुभववाद का संस्थापक माना जाता है। उनका कहना यह है कि समस्त ज्ञान की उत्पत्ति अनुभव से होती है, और अनुभव के दो प्रकार उन्होंने बताया, एक जो हम इंद्रियों के द्वारा प्राप्त करते हैं जिसको हम परसेप्शन कहते हैं, और दूसरा वह जो अंतर मन में झांक कर हमें मिलता है जिसको वो इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं। परसेप्शन एंड इंट्रोस्पेक्शन, ये दो तरह के स्रोत हैं ज्ञान के, और जितना भी ज्ञान हमारा है वो इन्हीं में से किसी के माध्यम से प्राप्त हुआ है। और उनका एक बहुत प्रसिद्ध उक्ति है उनकी कि माइंड इज टेबुला रासा, जो मस्तिष्क है वह कोरी स्लेट की तरह होता है, उसमें कुछ नहीं लिखा होता पहले से। बहुत से ऐसे फिलासफर्स हैं जो ये मानते हैं कि हम जन्म जन्मांतर से कुछ लिखा हुआ मस्तिष्क लेकर आते हैं, कुछ इनेट आइडियाज होती हैं, कुछ सहज प्रत्यय होते हैं। लॉक ने सहज प्रत्ययों का खंडन किया। अगर हम सहज प्रत्यय को मानते हैं तो शिक्षा का स्वरूप बदल जाएगा, जैसा प्लेटो में दिखाई पड़ता है, क्योंकि प्लेटो के दर्शन में आइडियाज शाश्वत हैं, वो कभी नष्ट नहीं होती, कभी उत्पन्न नहीं होती, वहां शिक्षा का स्वरूप कुछ और है। लेकिन लॉक कहता है कि नहीं, ऐसी कोई इनेट आइडिया नहीं है, ऐसा कोई सहज प्रत्यय नहीं है, सारे प्रत्यय अनुभव से प्राप्त होते हैं, और वही अनुभव इस कोरी स्लेट पर कुछ लिखता है। मैंने जो किताब पढ़ी थी अभी तिवारी जी से मैं चर्चा कर रहा था, जब बीए में मैं पढ़ता था तब फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन पर एक चैप्टर था हम लोगों के कोर्स में प्रिस्क्राइब्ड। मैंने किताब पढ़ी थी प्रोफेसर आर.एन. कॉल की लिखी हुई, प्रोफेसर रामनाथ कॉल, ए क्रिटिकल इंट्रोडक्शन टू सोशल फिलॉसफी, ये उस किताब का नाम था, और उसमें फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन पर एक चैप्टर था। उन्होंने लॉक के बारे में जो लिखा था वही मेरी स्मृति में जो बचा था वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। लॉक यह मानता था कि टीचर की ये सारी जिम्मेदारी होती है कि वो बच्चे के मनस में जो कोरी स्लेट है उस पर अच्छी चीजें अंकित करे, और इसलिए लॉक की दृष्टि में शिक्षा का तात्पर्य है कठोर अनुशासन के अंदर विद्यार्थी को रखकर उसे कुछ सिखाना। वो अनुशासन पर बहुत जोर देता है, और ये जो एक स्लोगन है स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड, अगर आपने छड़ी हाथ से बाहर रख दिया तो बच्चा चौपट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, मतलब छड़ी से उसको सिखाना है।
वो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में ही वो कुछ सीख सकता है, क्योंकि उसके पास अपना कुछ नहीं है, वो कोरी स्लेट है। आज लॉक का यह दर्शन बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि आज अगर किसी बच्चे को आपने पनिश कर दिया क्लास में तो वो FIR कर देगा, और फिर पता चला गुरुजी जेल में। इसलिए शिक्षा का स्वरूप समाज के स्वरूप से परिवर्तित होता रहता है। लॉक जिस युग में थे वो मोनार्की का युग था, ब्रिटेन का राजतंत्र था, और उस समय कठोर अनुशासन संभव रहा होगा, लेकिन आज कठोर अनुशासन में शिक्षा की व्यवस्था करना संभव नहीं है। मैं दूसरे एक फिलासफर का नाम लेता हूँ जो फ्रांसीसी था, जीन जैक रूसो, और लॉक से कुछ ही वर्षों बाद, कुछ दशकों बाद उसका हुआ था, उसने अपने दर्शन का प्रणयन किया था, लेकिन रूसो लॉक की शिक्षा का पक्की आलोचना करता है, और वो कहता है कि नहीं, बिना स्वतंत्रता के, बिना थोड़ी स्वतंत्रता दिए सही अर्थ में शिक्षा संभव नहीं है। वो डिफाइन करता है कि एजुकेशन इज ए नेचुरल ग्रोथ इन प्रॉपर डायरेक्शन, नेचुरल ग्रोथ इन प्रॉपर डायरेक्शन, नेचुरल डेवलपमेंट इन प्रॉपर डायरेक्शन, सही दिशा में स्वाभाविक विकास को शिक्षा कहते हैं। शिक्षा कठोर अनुशासन में संभव नहीं है। ब्रिटेन, ब्रिटिश कल्चर और फ्रेंच कल्चर में ये अंतर है, ब्रिटेन की संस्कृति और फ्रांसीसी संस्कृति में ये अंतर है कि फ्रांस के लोग स्वतंत्रता के पक्षधर, अंदर से स्वाभाविक रूप से स्वतंत्रता के पक्षधर हैं। हमारे एक सीनियर मित्र हैं जो पेरिस यूनिवर्सिटी से PhD किए हैं, उन्होंने एक दिन मुझे बहुत ठाट बाट में जब देखा, मैं टाई वाई लगा करके गया था, तो बोले व्हाई डू यू फॉलो ब्रिटिश कल्चर, ये टाई वाई लगाना ये ब्रिटिश कल्चर का रूप है। हमने कहा आई एम नाइदर ब्रिटिश और एनीबडी एल्स, आई एम इंडियन। आज सर्दी पड़ रही थी इसलिए हमने टाई लगा लिया था। तो बोले नहीं, पेरिस यूनिवर्सिटी में रहने के कारण मेरी तो आदत पड़ गई है कि सब कुछ स्वतंत्र होना चाहिए, और इसीलिए मैं अपने बालों में कभी कंघी भी नहीं करता हूँ। मैंने बालों को भी जबरदस्ती मत मोड़िए कि इधर नहीं इधर चलो, उसको जिधर मन है उधर चलता रहे, और उनके बाल हमेशा बेतरतीब बिखरे रहते थे। तो दे लव लिबर्टी सो मच कि वो अपने शरीर के बाल जैसे अंगों को भी नहीं कंट्रोल में रखना चाहते, उसका तो सब फ्री हैं, ये भी फ्री रहेगा। खैर, एक ही शताब्दी के हैं ये दोनों फिलासफर, और 50-60 वर्षों का गैप होगा, मैं डेट ठीक ठीक नहीं बता सकता इस समय, लेकिन लॉक और रूसो के विचारों में कितना अंतर है। इससे एक चीज स्पष्ट हुई कि शिक्षा परिवेश पर निर्भर करती, शिक्षा का स्वरूप परिवेश पर निर्भर करता है। हम जिस परिवेश में यहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, सुंदर हरियाली यहाँ व्याप्त है, ग्राम में वातावरण है, तो निश्चित ही हमारी शिक्षा इस वातावरण और इस परिवेश से सुरक्षित और निर्धारित हो रहा है। तमाम मामलों में सुरक्षित भले न हो, लेकिन निर्धारित इसी से हो रहा है। जो परिस्थितियां हमें दी गई हैं, उन परिस्थितियों में हम शिक्षा का विकास कर रहे हैं और शिक्षा को एक स्वरूप दे रहे हैं। भारतीय संदर्भ में शिक्षा की परिभाषा देते हुए कहा गया कि शिक्षा सांस्कृतिक धरोहर को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का माध्यम है। भारतीय संदर्भ संस्कृति के प्रति अधिक सचेष्ट लग रहा है, और इसलिए शिक्षा को उस माध्यम के रूप में परिभाषित कर रहा है जिस माध्यम से हमारी एक पीढ़ी की धरोहर दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती है। शिक्षा सांस्कृतिक धरोहर का संवहन करने वाला माध्यम है। एजुकेशन इज अ मीडियम थ्रू विच द कल्चरल हेरिटेज पासेस फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ये इस रूप में हमने शिक्षा को परिभाषित किया। निश्चित रूप से
शिक्षा और विद्या, इन दो शब्दों में हालांकि अंतर है लेकिन दोनों को हम एक रूप मान लें तो यहाँ प्रयोजन, विद्या का प्रयोजन ही ये बताया जाता था, सा विद्या या विमुक्तये। शिक्षा वह है जो हमें विद्या प्रदान करती है, उसका साधन है, और विद्या वह है जो मोक्ष प्रदान करे, मुक्ति प्रदान करे, जिससे हम तमाम संकटों से छुटकारा पा सकें। कभी कभी मोक्ष मुक्ति इन शब्दों को सुनते ही मैं एक विचित्र सी अरुचि मन में होने लगती है कि ये कहाँ की बात आ गई। लेकिन इस संदर्भ में मैं एक बहुत बढ़िया उदाहरण आपको दूँ स्वामी विवेकानंद की। उन्होंने मोक्ष की जो व्यावहारिक संकल्पना किया, आराधना और मोक्ष, इन दोनों की व्यावहारिक संकल्पना उन्होंने किया, और इसीलिए उन्होंने एक तो दरिद्र नारायण की अवधारणा दिया कि आराधना करना है तो नारायण तो उस दरिद्र में भी है, उस रोगी में भी है, उस मूर्ख में भी है जो अशिक्षित है, उसकी आराधना करिए, उसकी सेवा करिए। और मुक्ति को उन्होंने व्यावहारिक रूप देते हुए कहा कि गरीबी से मुक्ति, रोग से मुक्ति और अज्ञान से मुक्ति। तो अज्ञान से किसी को छुटकारा दिला दिया, कुछ शिक्षा आपने दे दिया, या किसी को दवा देकर आपने रोग से मुक्त कर दिया, तो यह भी एक तरह का मोक्ष है। वह भी विद्या है जो इस तरह के मोक्ष में हमारी सहायता करती है, सा विद्या या विमुक्तये। बड़ी विचित्र विषम परिस्थिति में हम जी रहे हैं। सा विद्या या विमुक्तये, यह जो स्लोगन था भारतीय संस्कृति का परंपरागत स्लोगन, उसके स्थान पर आज जो स्लोगन चल पड़ा है कि सा विद्या या नियुक्तये। विद्या वही है जिससे नियुक्ति प्राप्त हो। उन सभी शास्त्रों को पढ़ना ही हमने बंद कर दिया है जो सीधे सीधे नियुक्ति नहीं दे रहे हैं। फिलॉसफी, हिस्ट्री, संस्कृत, ये ऐसे विषय हैं जिनको पढ़ने वाले ही नहीं मिलते हैं। और टेक्निकल एजुकेशन या मैनेजमेंट एजुकेशन, इसमें भीड़ लगी रहती है क्योंकि वहाँ नियुक्ति की का प्रॉस्पेक्ट अधिक अच्छा है। लेकिन सा विद्या या नियुक्तये भी एक तरह का मोक्ष ही है, क्योंकि उसमें बेरोजगारी से मोक्ष मिलता है, बेरोजगारी से मुक्ति मिलती है। तो सा विद्या या विमुक्तये वो खंडित नहीं हुआ इस रूप में भी कि हमें बेरोजगारी से, विपन्नता से मोक्ष मिल गया, इसलिए वो भी सा विद्या या विमुक्तये के अंतर्गत ही आएगा। भारतीय मनीषियों ने, उपनिषद के ऋषियों ने इस तरह की संकल्पना की है, द्वे विद्ये वेदितव्ये परा च अपरा च। उन्होंने विद्या को दो प्रकारों में बांट दिया, एक पराविद्या, दूसरी अपराविद्या। और पराविद्या के अंतर्गत अध्यात्म को रख दिया गया, जो स्पिरिचुअल इमेंसिपेशन जिसमें होता है, आध्यात्मिक मोक्ष की बात जिसमें की जाती है वह पराविद्या है, और लौकिक बंधनों से छुटकारा देने वाली जो विद्या है उसको अपराविद्या कहा है। और तैत्तिरीय उपनिषद ये कहता है कि जो अपरा को छोड़ करके केवल पराविद्या में लगे रहते हैं वो सही नहीं कर रहे हैं, और जो पराविद्या को छोड़कर केवल अपरा में लगे रहते हैं वो भी सही नहीं कर रहे हैं। सही दृष्टि उस व्यक्ति की है जो अविद्या मृत्युम तीर्त्वा विद्या अमृतमश्नुते, जो अपरा विद्या से मृत्यु को पार करता है और परा विद्या से अमरत्व को प्राप्त करता है। यहाँ ऋषि जब कहता है कि मृत्यु को पार करने के लिए अपरा विद्या आवश्यक है, तो अपरा विद्या में कृषि, वाणिज्य, तमाम प्रकार के जो उद्योग हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी का अध्ययन हो, चाहे मैनेजमेंट का अध्ययन हो, सबके सब अपरा विद्या के अंतर्गत आते हैं।
और अपरा विद्या से भी हम हमारा देखिए अब यहाँ भी शिक्षा का एक प्रयोजन दिखाई पड़ता है कि हम मृत्यु को पार करने के लिए अपरा विद्या में लगे हुए हैं। वह जो शिक्षा है उसका भी ये महत्व है कि वो मुझे मृत्यु को पार करने में मदद करेगा। मृत्यु को पार करने का मतलब क्या हुआ? बिना खाए आप रह नहीं सकते, 5 दिन 4 दिन 3 दिन में शरीर समाप्त हो जाएगा और वो सारा अध्ययन बेकार हो जाएगा। तो जो जिस विद्या से भोजन का इंतजाम होता है वह अपरा विद्या है, जिससे शरीर धारण करने की जो संसाधन है उनका इंतजाम जिससे होता है वह भी एक विद्या है। और इस दृष्टि से उसका बहुत महत्व है, क्योंकि बाकी सब कुछ तो तभी संभव है जब हम स्वस्थ शरीर से जीवित रह सके। इसलिए अपरा विद्या और परा विद्या इन दोनों का ज्ञान जिस माध्यम से होता है वह उत्कृष्ट माध्यम शिक्षा है, और इसीलिए इसको वेदांग के रूप में ऋषियों ने स्वीकार किया है। ये जो ग्रुप है ये शिक्षक शिक्षा संकाय का ग्रुप है, और कुछ वर्तमान में शिक्षक हैं हम लोग और कुछ भविष्य के शिक्षक यहाँ बैठे हुए हैं। इसलिए मैंने एक स्थल स्मरण किया, उसकी चर्चा यहाँ आज अपेक्षित है और उपयोगी भी है, और ये स्थल उद्धृत है कालिदास के किसी नाटक से, शायद मालविकाग्निमित्रम से। मैंने एक जगह उद्धृत देखा, इतना अच्छा लगा मुझको कि मैंने रट लिया उन दोनों श्लोकों को। प्रोफेसर राम शकल पांडे जी की चर्चा हो रही थी, उन्होंने अपने डिपार्टमेंट में ये दोनों श्लोक लिख रखा है। अच्छा शिक्षक कौन हो सकता है? अच्छी शिक्षा तभी संभव है जब अच्छा शिक्षक होगा। अच्छा शिक्षक कौन है और खराब शिक्षक कौन है, इन दोनों के बारे में 2 श्लोक मिले। तो पहले अच्छा वाले की चर्चा कर लें। अच्छा शिक्षक उसे कहा गया है, वहां कालिदास ने मालविकाग्निमित्रम में लिखा, श्लिष्टा क्रिया कस्यचिदात्म संस्था संक्रांतिरन्यस्य विशेषयुक्ता यस्योभयं साधु सशिक्षकाणां धुरि प्रतिष्ठापयितव्य एव। पहली लाइन कहती है कि अच्छा शिक्षक वो है जो श्लिष्टा क्रिया, जिसके आचरण में ही उसका ज्ञान श्लिष्ट हो गया हो, ज्ञान और आचरण के बीच श्लेष हो गया हो, जिस शिक्षक के आचरण को देखकर विद्यार्थी सब कुछ सीख जाए, एक तो वह उत्तम शिक्षक है। श्लिष्टा क्रिया कस्यचिदात्म संस्था, और दूसरी लाइन कहती है संक्रांतिरन्यस्य विशेषयुक्ता, और दूसरा अच्छा शिक्षक वो है जो जिसके अंदर अपनी बात को कहने की अच्छी क्षमता हो, संप्रेषण की क्षमता जिसके अंदर हो, पावर ऑफ कम्युनिकेशन जिसके अंदर हो। संक्रांति रन्य से विशेष युक्ता, ये 2 लक्षण हैं अच्छे शिक्षक के। और तीसरी लाइन में कालिदास ने कहा कि जिस शिक्षक के अंदर यह दोनों गुण हो जाएं, वह शिक्षकों का शिरोमणि है, वह सर्वोत्तम शिक्षक है, जो आचरण के द्वारा और संभाषण के द्वारा इन दोनों माध्यमों से शिक्षित करता है। संक्रांतिरन्यस्य विशेष युक्ता यस्योभयस्य उभयम्, जिसमें दोनों हो, साधु शिक्षकाणाम धुरि प्रतिष्ठा भवितव्येव, वह तो शिक्षकों का शिरोमणि है, वो सर्वोच्च शिक्षक है। दूसरा श्लोक कहता है, और विधि और निषेध दोनों की चर्चा कर लेनी चाहिए। दूसरा लक्षण जानना इसलिए है कि हम वैसे न बने। दूसरा लक्षण कहता है लब्धास्पदोस्मीति विवाद भीरो तिथि क्षमाणस्य परेण निंदाम यस्यागम केवल जीविकायै तम ज्ञानपणियम वणिजम वदन्ति। कालिदास उस युग में ये बात कह रहे हैं, लब्धास्पदोस्मीति विवाद भीरो, आस्पद माने पद प्रतिष्ठा,
लब्ध आस्पद माने मुझे एक पद मिल गया, एक प्रतिष्ठा मिल गया, मैं डीन हूँ, मैं प्रोफेसर हूँ, इसलिए अब मुझे क्या लेना देना। यह सोचकर जो लोग किसी सभा में चर्चित विषय के विवाद में नहीं पड़ना चाहते, लब्धास्पदोस्मीति विवाद भीरो इति क्षमाणस्य परेण निंदाम, और कहीं ऐसा ना हो कि मैं बोलूं और कुछ गड़बड़ बोल दूं तो लोग निंदा भी करेंगे, इसलिए मैं बोलूंगा ही नहीं, कहीं जाऊंगा ही नहीं, किसी सभा में नहीं जाऊंगा, यह जो सोचते हैं। और तीसरी लाइन में और गरिष्ठ बात उन्होंने कह दिया कि यस्यागम केवल जीविकायै, जो शिक्षा को, शिक्षण को, शिक्षण कार्य को केवल जीविका समझते हैं, वो ज्ञान का व्यापार करने वाले व्यापारी हैं, वो शिक्षक नहीं हैं। यस्यागम केवल जीविकायै तम ज्ञानपणयम् वणिजं वदन्ति, शिक्षण कार्य जीविका के साधन के रूप में नहीं लेना चाहिए, ये सजेशन है यहाँ। हालांकि शिक्षण कार्य से जो हमें मिलता है वो भी जीविका में ही काम आता है, लेकिन यहाँ प्रयोजन का अंतर है कि हम किस प्रयोजन से जा रहे हैं विद्यालय। हम एक नई जनरेशन तैयार करना चाहते हैं, एक नई पीढ़ी तैयार करना चाहते हैं, अच्छे विद्यार्थियों की, अच्छे नागरिकों की, इसलिए हम विद्यालय में जा रहे हैं। हमारा इंटेंशन अगर ये होगा तो हम अच्छे शिक्षक के रूप में माने जाएंगे, और केवल इतना सोचकर अगर हम जाएंगे कि हमें जीविका मिलती है इसलिए जा रहे हैं, पढ़ाएं चाहे ना पढ़ाएं, तब हम अच्छे शिक्षक नहीं हैं। यहाँ इंटेंशन का महत्व तो है, इस बात का महत्व तो नहीं है कि आपको जो वेतन मिल रहा है उसे छोड़ देना है, नो, वेतन और अच्छा मिले ये और अच्छी बात है, अब हम और अच्छा पढ़ सकेंगे, अच्छी किताबें खरीद सकेंगे। लेकिन हमारा एक अच्छे शिक्षक का लक्षण, अच्छे शिक्षक का इंटेंशन ये होना चाहिए कि हम एक अच्छा नागरिक पैदा करने के लिए शिक्षण कार्य में लगे हुए हैं। मैंने कहीं ये प्रसंग पढ़ा था, जब शाहजहां को उसके बेटे औरंगजेब ने अरेस्ट कर लिया, तो औरंगजेब तो बड़ा कट्टर मुसलमान था, उसने कहा कि देखो हराम का तो हम खाना नहीं देंगे, कुछ काम करोगे तब हम तुम्हें खाना देंगे, तो बताओ कौन सा काम करोगे जिसके बदले खाना दिया जाए। शाहजहां ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं छोटे बच्चों को पढ़ाना पसंद करूंगा, और इस पर औरंगजेब ने कहा कि अभी तुम्हारे दिमाग से बादशाही नहीं गई, क्योंकि शिक्षक जो होता है वो बादशाह होता है, अपने क्लास का बादशाह है वो, कोई वो कोई कर्मचारी। यह भाव लेकर के जब हम शिक्षा देने जाते हैं तो वो उत्तम शिक्षा कही जाएगी, उत्कृष्ट शिक्षा कही जाएगी। मैं नहीं जानता कि कितना और समय मिल सकता है, लेकिन एक और कार्यक्रम होम साइंस डिपार्टमेंट में है, इसलिए मैं अंतिम बिंदु के रूप में कुछ कह करके अपनी बात को पूरी करूंगा, और फिर कभी मौका मिलेगा तो और डिटेल किया जाएगा। एक इंग्लिश पोएट टीएस एलियट, हम में से बहुत लोगों ने उसे पढ़ा होगा, टीएस एलियट का की एक लाइन मुझे मिली जो बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैं यहाँ उद्धृत करना चाहता हूँ, क्योंकि शिक्षा, ज्ञान, विद्या, उसके स्वरूप और प्रयोजन दोनों में एक आ रहे भारी परिवर्तन को ये लाइन डिस्क्राइब करती है। जहाँ टी एस एलियट कहता है कि वेयर इज विजडम, इट इज लॉस्ट इन नॉलेज। विजडम माने विवेक शक्ति, वह विवेक शक्ति कहाँ है जिसको हम खोजा करते थे, और फिर खुद जवाब देता है कि वह तो ज्ञान में ही सीमित हो गई है। और फिर उसके आगे के पतन का वर्णन करता है कि एंड वेयर इज नॉलेज, इट इज लॉस्ट इन इंफॉर्मेशन। और वह ज्ञान भी कहाँ गया जहाँ हम विजडम से फिसल कर नॉलेज पर आए, लेकिन आज ज्ञान की भी बात कोई नहीं कर रहा है, इट इज लॉस्ट इन इंफॉर्मेशन। हम केवल कुछ सूचनाओं को ही शिक्षा समझ बैठते हैं,
शिक्षा का ये प्रयोजन नहीं था। शिक्षा का प्रयोजन तो वह विवेक शक्ति पैदा करना था, जिसको हम विजडम कहते हैं। थोड़ा हमारा अधोपतन हुआ तो हम नॉलेज को शिक्षा कहने लगे, और नॉलेज एसिमिलेटेड इंफॉर्मेशन को हम नॉलेज कहते हैं। लेकिन आज उसके लिए भी फुर्सत नहीं है, क्योंकि इंफॉर्मेशन इतनी हैं। आज की इस युवा पीढ़ी का बच्चा दुनिया की हर इंफॉर्मेशन इस पीढ़ी के पास है, प्रोफेसर गूगल की मदद से। बट दैट इंफॉर्मेशन इज नॉट बिकमिंग नॉलेज, एंड दैट नॉलेज इज नॉट ट्रांसफॉर्मिंग इनटू विजडम। ये दुखद बात है। हम इंफॉर्मेशन को एसिमिलेट करें, आत्मसात करें, नॉलेज में कन्वर्ट करें, और अपने उस नॉलेज को विवेक में परिवर्तित करें। विवेक का क्या मतलब हुआ? इसमें से कितना ग्रहण करने लायक है और कितना त्यागने लायक है, यह बुद्धि हमारे अंदर विकसित हो जाए। जो त्यागने लायक है उसको छोड़ दिया, जो काम की चीज है उसको लेकर के जीवन को सुधारने की कोशिश किया, यह विवेक शक्ति उत्पन्न हो, ये शिक्षा का असली प्रयोजन है। और हमें विश्वास है कि योग्य गुरुजनों के साथ रह करके आप एक अच्छे और योग्य शिक्षक बनने की पात्रता अर्जित करेंगे, यह विश्वास है हमें। और इस विश्वास के साथ मैं आज की वार्ता को यहीं पूरी करता हूँ। थैंक यू।